हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.4। आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। सवाल के रूप में हमारे पास दो समीकरण है। कहा गया है कि ये जो समीकरण युग्म है इसे दो विधियों से सॉल्व कीजिए। पहला विधि आपको विलोपन विधि अपनाना है और दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि अपनाना है। प्रतिस्थापन विधि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ प्रतिस्थापन से भी करूँगा। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछा गया है कि आप लोग ये बताओ कि कौन सी विधि ज़्यादा आसान है। अब ये तो भाई एक चॉइस वाला सवाल हो गया ना, इसका कोई मतलब एक आंसर नहीं हो सकता। किसी बच्चे को प्रतिस्थापन विधि अच्छा लग सकता है तो किसी को विलोपन विधि अच्छा लग सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना, लेकिन यहाँ पे जो सवाल सॉल्व करना है दो विधि से, वो दो विधि मैं सिखा देता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया हुआ था, ये रहा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में करना क्या होता है कि समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखिए और देखने के बाद दोनों समीकरणों में या तो x को बराबर कर दो या तो फिर y को बराबर कर दो। बराबर करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे y एक पीस है, यहाँ पे y 3 पीस है, तो ऊपर में भी 3 पीस ले आओ, ठीक है। या तो इसका जो 3 है उसको गायब करके 1 पीस बना दो इसे, ठीक। अगर हम x की बात करें तो x यहाँ 1 पीस है, यहाँ पे 2 पीस है, तो ऊपर में भी 2 पीस x कर दो, या तो इसका जो 2 पीस x है इसको गायब करके 1 पीस x बना दो। अब ये जो गायब करना है या तो फिर जो एक्स्ट्रा ले आना है वो कैसे आएगा, तो वो हम लोग गुना करके लेके आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बाई 1 है, नीचे में बाई 3 है, तो 1 को 3 बना सकते हैं कैसे, अगर हम इसको 3 से गुना कर दें, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे तो बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब क्या है, गायब हो जाएगा। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। बाई जो है वो क्या हो गया, लोपित हो गया, खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो बस हो गया और क्या। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 × 3 और इसके बाद फिर ऐड करेंगे किसको, समीकरण 2 को, है ना। समीकरण 1 में पहले 3 से गुना करेंगे, उसके बाद उसको 2 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 के साथ। बस सवाल बन जाएगा। अब पता कैसे चला कि ऐड करने से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ऊपर में बाई प्लस में है, नीचे में बाई माइनस में है, ठीक है। तो देखो प्लस वाला चीज़ को माइनस वाला चीज़ के साथ जोड़ोगे तो बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। ऐसा नहीं है कि ये 3 से गुना सिर्फ इस तरफ करना है, बराबर के दूसरी तरफ भी गुना करना है। समीकरण 2 में कुछ भी हम लोगों ने गुना नहीं किया, तो ये कितना है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। अब देखिए इसे ऐड कर दीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x मिल करके कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इस तरफ कितना, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 और बटे का 5। ये देखिए x का मान मिल गया। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पे, अब 1 में क्यों रख रहे हैं, तो देखने से आसान लग रहा है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले समीकरण 1 लिखो, 1 है क्या, x प्लस बाई इज इक्वल टू 5। एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 19 और बटे में कितना है, 5 प्लस में कितना है, बाई इज इक्वल टू 5। हमें ये बाई चाहिए, तो ये जो 19 बटे 5 है ना, इसको इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ क्या बचेगा, बाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19 बटे 5। सॉल्व करोगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 25 और माइनस का 19, यानी कि 25 में से 19 गया तो 6 बचा और 5 ये आ गया हमारा बाई, ठीक है बच्चों। तो बस यही हमें करना था, एक्स और बाई का मान निकालना था। विधि कौन सा है, विलोपन विधि है। पहले हमने यहाँ पे बाई को खत्म कर दिया है ना, कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना ही क्या कहलाता है, विलोपित करना कहलाता है। तो फाइनली आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे और बॉक्स बनाने के बाद उसमें ऐसे लिख दोगे कि एक्स इज इक्वल टू 19/5 एंड बाई इज इक्वल टू 6/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम सवाल को हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से।
तो आइए हम लोग इसी सवाल को दूसरे विधि से कर लेते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण को पकड़िए और पकड़ के वहां से x या y का मान निकाल लीजिए। जिस समीकरण से आपने x या y का मान निकाला है उसको छोड़ करके दूसरे समीकरण में उस मान को रख दो, वहां से आपको एक मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलने में थोड़ा सा हौच-पौच लगता है, जब मैं यहां पे करके दिखाऊंगा बड़े ही आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले समीकरण देखो आसान कौन सा है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ऊपर वाला इजी सा है। तो हम लोग यहां से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है समीकरण एक, समीकरण एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो यहां से x का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव माइनस वाई। इसका नाम आप लोग दे सकते हो समीकरण तीन, नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया करो, मैं ऐसे ही दे के बनाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए x का मान हम लोगों ने निकाला 5 माइनस y। ठीक है, अब x के इस मान को समीकरण दो में रखेंगे, क्योंकि x का जो ये मान है ना वो हमने समीकरण एक को यूज करके निकाला है, तो समीकरण दो में रखेंगे, ऐसा ना हो कि एक ही में रख दो। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण दो क्या है टू, और x के जगह पे कितना रखना है फाइव माइनस बाई, और यहां पे क्या है माइनस का थ्री बाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों फोर है। बस इसे सॉल्व कर देंगे, ये टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टू और फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। लिख देते हैं टेन माइनस टू को बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का टू बाई, और यहाँ पे कितना है माइनस का थ्री बाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चों फोर है, ये लिख दिया। अब इस टेन को उठा के इस तरफ करेंगे, टू बाई और थ्री बाई दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा फाइव बाई हो जाएगा। इस तरफ पहले से कितना है फोर है, टेन इस तरफ आया प्लस का टेन इस तरफ वाला इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन हो जाएगा। तो यहां से माइनस फाइव बाई इज इक्वल टू फोर में से टेन जाएगा तो माइनस का सिक्स बचेगा, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स बाई फाइव। काफी ईजी सा सवाल है ये। ठीक, अब देखिए बाई का मान आप लोग कहीं भी रख सकते हो, समीकरण एक में रख दो, दो में रख दो या तीन में रख दो, जो आपको आसान लगे। जो सबसे आसान होता है ना वो होता है समीकरण तीन, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट x इज इक्वल टू लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण तीन से, समीकरण तीन से लिखने का तरीका और भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण तीन में बाई का मान रखने पे, और ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण तीन से क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस बाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव माइनस बाई की जगह पे क्या लिखना है सिक्स बाई फाइव लिखना है। अब तो ये भिन्न का जोड़ है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना आएगा फाइव आएगा, पाँच पच्चे पच्चीस और माइनस का सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पच्चीस में से छः गया उन्नीस बचेगा डिवाइडेड बाई फाइव। तो फाइनली आप लोग क्या लिखोगे, एक बॉक्स बना दोगे और इसमें दोनों वैल्यूज लिख दोगे, एक्स इज इक्वल टू उन्नीस बटे पाँच और बाई इज इक्वल टू सिक्स बाई फाइव, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेकंड। विधि वही रहेगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना है विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा इजी है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बाई जो है वो फोर पीस है, यहाँ पर कितना है टू पीस है, तो आप लोग बताओ इस फोर को हम टू बना सकते हैं या तो इस टू को ये फोर भी बना सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे कर लो। आप लोग कहोगे फोर को टू कैसे बना सकते हैं, तो दो से डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने के बाद सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसीलिए हम डिवाइड करके आगे नहीं बनाते कभी, मैं तो नहीं बनाता हूँ खासकर। तो ये रहा समीकरण वन, ये रहा समीकरण टू। इस टू को फोर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दो से गुना कर दीजिए। ठीक, जैसे ही दो से गुना होगा ये बाई कितना हो जाएगा चार पीस हो जाएगा, ऊपर में चार पीस पहले से ही है, कैंसिल हो जाएगा कब, अगर हम ऐड कर दे दोनों को, क्योंकि ऊपर में जो बाई है वो प्लस में है, नीचे वाला बाई माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हम करने वाले हैं उसे लिख देंगे कि समीकरण वन को ऐड करेंगे टू के साथ, और टू के साथ ऐड करने से पहले इसमें दो से गुना भी करना है। समीकरण एक में हमने कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज लिख दिया, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक में कुछ नहीं करना है तो थ्री एक्स प्लस का फोर बाई इज इक्वल टू
10, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं इस तरीके से, लाइन खींच दिया, ये से ये कैंसिल हो गया, 3x और 4x ऐड होके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आया 14/7, ये से ये कैंसिल हो गया दो बार में, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 2 आया। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो देखिए x का जो ये मान है ना, मैं समीकरण 2 में रखता हूँ क्योंकि 2 ज़्यादा ईजी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पे, ये लिखने का प्रॉपर तरीका है, रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, 2x है माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से देखिए 2 और x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 ही रख दिया, और माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना है, 2 है। 2 और 2 गुना होके कितना हो जाएगा, 4, इस 4 को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये 2 पहले से था यहाँ पे, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। अब इन दोनों मानों को आप एक साथ एक बॉक्स बना करके लिख दीजिए कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हो गया फाइनल आंसर। ये हमने विलोपन विधि से इसे सॉल्व किया है, अब हम लोग इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक को पकड़ेंगे और वहां से x या y का मान निकाल लेंगे, फिर उस मान को दूसरे ये में रख देंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे, वहां से हमें x या y मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो आसान सा दिखे उसी को पकड़ो, आसान कौन सा है, समीकरण 2 आसान दिख रहा है, ऐसा नहीं कि समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन जब अगर कान को आप ऐसे पकड़ सकते हो तो खूब ऐसे घुमा के पकड़ने का क्या जरूरत है ना। तो यहां पर देखिए हम इसी से चलेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या है, ये है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए 2 को, जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो यहां पे x बचेगा, यहां पे y बचेगा, और इस तरफ 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 एक बार में कैंसिल हुआ है ना। अब देखिए यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में 1 पहले से था, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब इस मान को x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि x का ये जो मान आया है वो समीकरण 2 के बदौलत आया है, तो 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 1 में रखना है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पे, वो सब कुछ आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है क्या, तो 1 है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये 3 का 3 लिखा, x के जगह पे कितना रखना है, y प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे y और प्लस में 1, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4y है इज इक्वल टू 10 है, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस का 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 4y है इज इक्वल टू 10। देखो 3y और 4y दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ पहले से 10 था, आप लोग कहोगे सर ये 3 को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे ताकि इस तरफ सिर्फ y बचे, है ना, तो 3 प्लस में था, इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 7y इज इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 पहले से था, इस तरफ ये गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण
तीन से। समीकरण एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, लेकिन तीन सबसे ईजी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू समीकरण तीन क्या है, बाई और प्लस का वन। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई की जगह पे एक लिखेंगे, ये लिख दिया वन और प्लस में वन, तो x इज इक्वल टू आंसर आ गया टू। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें x और बाई दोनों के मान लिखेंगे और लिखेंगे कि यही हमारा आंसर है। जब हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था तब भी यही आंसर आया था, प्रतिस्थापन से किया तब भी यही आंसर आया, कोई और विधि से भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको बनाने के टोटल पांच विधि होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री। इसमें दो समीकरण दे रखे हैं ये, और इन्हें सॉल्व करना है, वही विलोपन विधि और साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है ना, वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन समीकरणों को उस रूप में लाएंगे जिस रूप में हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस का पाँच बाई, ये जो चार है ना ये हमें इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो बराबर दे करके ये माइनस वाला चार जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चार हो जाएगा, और इसे हम लोग समीकरण एक का नाम देंगे। अब ये वाला जो है इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, नाइन एक्स बाई जो है वो बराबर के दूसरी तरफ नहीं चाहिए, हमें बाई इस तरफ चाहिए। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू बाई हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, इज इक्वल टू इसको इधर ही छोड़ देते हैं, प्लस का सेवन, ये हमारा हो जाएगा समीकरण टू। अब देखिए एक बार हम लोगों ने समीकरण को रेडी कर लिया तो अब हम लोग इसे काफी आसानी से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम किसको बराबर करें, यहां पे देखिए x जो है वो तीन पीस है, यहां पे x जो है वो कितना पीस है, नौ पीस है। अगर हम इसमें तीन से गुना कर देते हैं तो ऊपर में भी x कितना हो जाएगा, नौ पीस हो जाएगा। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी नौ है ना। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने किया है समीकरण एक को तीन से गुना किया है। अब क्या करेंगे, समीकरण दो के साथ इसको जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, देखिए जोड़ोगे ना तो दोनों जुड़ करके 18x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करने पे कैंसिल होगा, ठीक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब समीकरण में या x या बाई जो है दोनों का चिन्ह एक जैसा रहे, या तो दोनों ही प्लस में रहे या दोनों ही माइनस में रहे, तो हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या, समीकरण दो को, ठीक। ये दोनों माइनस में था, अगर हम बाई को भी काट रहे होते ना तो बाई को काटने के लिए भी हमें माइनस करना पड़ता, तभी ये बाई कटता, ठीक है बच्चों। अब देखिए कर दीजिए जो हमने यहां पे लिखा है, तीन से इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ एक्स माइनस पंद्रह बाई इज इक्वल टू बारह, इसके साथ तो कुछ गुना नहीं किया तो ये ऐसा ही रहेगा, नौ एक्स माइनस का दो बाई इज इक्वल टू सात। अब यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचा, जब भी आप माइनस करते हो तो नीचे वाले जो ये समीकरण है ना इसका चिन्ह चेंज कर दिया कीजिए। अब देखिए नौ एक्स प्लस का नौ एक्स माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस में पंद्रह बाई है और प्लस में दो बाई है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का तेरह बाई बचेगा, और इस तरफ क्या है बच्चों, प्लस का ट्वेल्व है और माइनस का सेवन है, तो क्या होगा, प्लस का फाइव बचेगा। तो जब आप यहाँ से बाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, फाइव बाई 13। ये जो माइनस का चिन्ह है यहीं पे रहने देते हैं, जब इसको हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बाई का मान निकाला 5/13। अब इस मान को समीकरण एक या दो, जो भी आपको इजी दिखता हो उसमें रख दीजिए, वहाँ से एक्स का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों एक जैसा ही दिख रहा है तो आप किसी में भी रख सकते हो, तो हम रखेंगे समीकरण एक में। लिखा समीकरण एक से, क्या है समीकरण एक, तीन एक्स माइनस का पाँच बाई इज इक्वल टू फोर है, ठीक है। अब देखिए थ्री का थ्री लिखा, एक्स का एक्स लिखा, माइनस फाइव का फाइव, लेकिन बाई के जगह पर क्या लिखना है, माइनस में 5/13, तो बाई के जगह पर लिख दिया गुना में माइनस का पाँच और बटे का 13 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, 4 है, वो लिख दिया। 3x का 3x रहेगा, माइनस और गुना हो रहा है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 को 5 से करोगे तो 25 हो जाएगा, और बटे का 13 इज इक्वल टू 4। ये वाला चीज़ को उठा के इस ओर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ 3x, ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा तो और तो कुछ बचेगा नहीं, तो इक्वल टू क्या है, 4 है। ये प्लस वाला चीज़ इधर जाएगा तो माइनस में आएगा 25 और बटे का कितना, 13। सॉल्व कीजिए इसको, लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा, 13 चक्के 52 और माइनस का कितना, 25। अब देखिए
52 में से 25 जाएगा तो 27 बचेगा और बटेगा 13, और इस तरफ कितना है 3x है। तो यहाँ से हमें 3x नहीं चाहिए था, x चाहिए था, तो इस 3 को भगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू इस तरफ क्या है 27 और बटे का 13 है, ये 3 इधर गुना में है, इस ओर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग में जाने का मतलब है नीचे जाएगा। अब ये से ये कैंसिल हो रहा है 9 बार में, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया 9/13। तो फाइनली एक बॉक्स बनाइए और उसमें x और y दोनों के मान लिखिए, x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी सवाल को हम लोग फिर से बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि के जरिए। आइए अब हम लोग इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि के जरिए बनाते हैं। तो किसी भी समीकरण से किसी भी एक का मान निकाल लो, यानी कि x का मान निकाल लो या तो फिर y का मान निकाल लो, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है, मतलब कोई आसान सा नहीं दिख रहा है, तो किसी से भी आप लोग चल सकते हो। मैं समीकरण एक से चलता हूँ, तो यहाँ पर लिखा समीकरण एक से क्या है, यहाँ पर 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, और प्लस में 4 पहले से था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y प्लस का 4 और बटे का, यहाँ से 3 जो हटा है वो इस तरफ जाके बटे में चला जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देते हैं, यहाँ ओके है। अब क्या करेंगे, इस x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से चलते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 है, है ना। अब देखिए 9 का 9 लिखा, x के जगह पे क्या लिखेंगे 5y प्लस 4, ये लिखा 5y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, ये भी लिख दिया, माइनस का 2y है, माइनस का 2y लिख दिया, इज इक्वल टू 7 है, 7 लिख दिया। अब ये 3 से ये 9 3 बार में कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15y, और 3 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये माइनस में कितना है 2y इज इक्वल टू 7 है, 15y में से 2y माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 13y बचेगा, इज इक्वल टू ये इस तरफ 7 था तो 7 लिख दिया, 12 को पकड़ के दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का 12 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ से जब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और ये जो 13 गुना में है इस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, ये रहा y का मान। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, यहां से x का मान मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है x इज इक्वल टू 5 इंटू y की जगह पर क्या लिखना है माइनस का 5/13, तो लिख दिया माइनस का 5 और बटे का 13, और प्लस का कितना है 4, तो प्लस का 4 भी लिख दिया, और बटे में कितना है 3, तो 3 भी लिख दिया। बस इसे सॉल्व कीजिए, यही x का मान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 + 5 कितना 25 हो जाएगा, तो 25 लिख दिया, बटे में 13 है 13 लिख दिया, और प्लस में 4 है तो वो भी लिख दिया, और इन सब के बटे में कितना है 3 है, तो ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर में एक भिन्न का जोड़ बन रहा है जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 लिख दिया, ये कितना माइनस का 25 प्लस 13 × 52, और बटे में कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए 25 माइनस हो जाएगा 52 में से तो कितना बचेगा 27 बचेगा, और बटे में कितना है 13 है। अच्छा, इस 3 के बटे में कितना है 1 है, है ना, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 जो है वो ऊपर चल जाएगा और ये 3 कहाँ रह जाएगा नीचे रह जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया 9 बार में, तो यहाँ से 9/13 जो आया है वो x का मान आया है। फाइनली हम लोग इसे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना करके दोनों को लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू माइनस का 5/13, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको भी हमें उसी विधि से सॉल्व करना है, यानी कि पहला विधि विलोपन होगा और दूसरा विधि प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके इस रूप में ला सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी के रूप में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बिना इस रूप में, मतलब कि इसको बिना इस रूप में लाए ही ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इजीली हो भी जाएगा ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हम इसे इस रूप में लेके आएं तभी सॉल्व होगा, तो बिना इस रूप में लाए ही सॉल्व करेंगे। इसे हम मैंने समीकरण 1 का नाम दिया, इसे समीकरण 2 का नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए काटोगे किसको, तो हम बाई को काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नीचे में इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, यानी कि जो हर है वो तो बराबर है। अगर अंश बराबर कर दें, ऊपर में 2 बाई है और यहाँ पर सिर्फ बाई है, अगर अंश को बराबर कर दें तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे 2 बाई है, यहां पे बाई है, तो इसको भी 2 करने के लिए हमें किस चीज से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दीजिए, हो गया बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ ऐड कर देंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया है समीकरण 1 को जोड़ने का प्लान किया है समीकरण 2 के साथ, लेकिन उससे पहले समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, बस इतना ही काम करना है। समीकरण 1 के साथ कुछ नहीं किया है, तो x डिवाइडेड बाई 2 रहेगा ये, और प्लस में कितना है, 2 बाई है, ऐसे ही रहने दीजिए, और डिवाइडेड बाई कितना है, 3 छोड़ दिया ऐसे ही, और इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1। इसको 2 से गुना करो तो यह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 2 को बाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाई और बटे में कितना है, 3, और इस तरफ 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6। जोड़ने पे क्या हो जाएगा भाई, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, x बाई 2 ऊपर में है और प्लस में यहाँ पे कितना है, 2x है, इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये एक भिन्न का जोड़ है, इसके नीचे 1 है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड किया, एक बार में गया, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 से ही रहेगा, प्लस के साइन के साथ, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 5 है, x और 4x जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अच्छा, इसके नीचे 1 भी होना चाहिए, है ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो इस 1 का गुना, x का गुना 1 के साथ, और 2 का गुना ये जो एक बार में गया था उसके साथ, तो ये हो जाएगा x, और 2 का 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी इस x का मान रख दो, वहां से क्या मिल जाएगा, बाई का मान मिल जाएगा। मैं यहां समीकरण 2 में रखने वाला हूं, देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा समीकरण 2 से क्या है जी, x माइनस बाई बटे 3 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अब देखिए x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख दिया 2, माइनस का बाई बटे 3 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। इस 2 को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बाई बटे 3 इज इक्वल टू 3 है, 3 लिखा, प्लस का 2 इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस का बाई बटे 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 3 का गुना इसके साथ होगा तो कितना, इस तरफ तो बाई है ही है, माइनस में बच गया, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 रहेगा, माइनस यहाँ से हटाएंगे तो इस ओर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू मान आ गया 3, और x तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था, 2 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और दोनों के मान को एक साथ रख देंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू माइनस का 3, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसे विलोपन विधि के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के जरिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगली विधि की ओर। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के जरिए। जो भी आपको आसान दिखे वहां से x का या y का मान निकाल लीजिए और दूसरे समीकरण में उस मान को रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे समीकरण 2 आसान सा है तो हम उसी से चलेंगे। लिखा कि समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 में x माइनस बाई बटे
3 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके गए तो इस तरफ क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला चीज इस ओर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बाई बटे 3, और प्लस में पहले से ही क्या है, 3 है। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि इसे हमने समीकरण 2 से बनाया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 में इस मान को रखने के लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पे, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, ये रहा समीकरण 1, तो x के जगह पे ये वाला चीज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई और बटे का 3 और प्लस में कितना है 3, डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस है तो प्लस दिया, 2 बाई है तो 2 बाई लिख दिया, बटे का 3 है तो 3 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है। अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, देखिए ये 3 है इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा, 3 लिख दिया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस का चिन्ह था प्लस दिया, 1 से इस 3 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बटे में कितना है बच्चे, 2 है, 2 के बटे में 1 तो रहता है, ये दुनिया का कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 रहता है, प्लस है तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 बाई और बटे में कितना है, 3 है, इज इक्वल टू माइनस का 1 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 9 और बटे का 3 इंटू ये वाला 1 ऊपर चल जाएगा और ये 2 ऐसे नीचे रह जाएगा और प्लस में क्या है, 2 बाई बटे का 3 इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए इस बाई प्लस 9 में 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई प्लस 9 ही रहेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, इन लोग दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा, 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को इस पूरे से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा और प्लस है तो प्लस दे दिया, 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 को यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में 2 है इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 4 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में कितना है, 9 है, ठीक है बच्चों। और डिवाइडेड बाई कितना है, 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये रहा 5 बाई प्लस का 9, ये इस तरफ जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, 5 बाई इज इक्वल टू माइनस का 6 तो पहले से था, इस 9 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये देखिए 5 बाई इज इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बटे 5 और ये माइनस रह जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया, है ना बच्चों। अब देखिए फाइनली एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, x का जो मान आया है वो लिखेंगे, x का मान कहाँ आया, ओ अभी x का मान तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं है, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, बाई, तो बाई के जगह पे रखेंगे माइनस का 3, बटे का कितना है 3, तो लिख दिया बटे का 3 और प्लस में कितना है 3 है तो 3 ही लिख दिया, ये से ये कैंसिल हो गया एक बार में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अब लास्ट में ऐसे एक बॉक्स बना करके लिख दो कि x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू माइनस का 3, ये फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया है या और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े, शाम में 8 बजे से पढ़ाई होती है, और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाई जो साइंस का होता है वो मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो, आर्ट्स चल ही रहा है तो सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं आगामी डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सार क्लास के साथ।